हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, सबसे पहले सॉरी मैं मैसेजेस के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। काफ़ी मैसेजेस आए हुए हैं और मैं भी जैसे घर पे मेडिकल कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं ज़्यादा एक्टिव भी रह नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैसेजेस के जवाब नहीं दे रहा हूँ। इसीलिए मैं मोबाइल नंबर भी कल भी मैंने कोई वीडियो में बताया नहीं और आज भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी पहले ही जवाब देने मेरे पेंडिंग है। जैसे जैसे पॉसिबल होगा मैं जवाब दूंगा। आज के इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूं आपको Q4 के रिजल्ट कैसे आएंगे वारी के, जिसके लिए क्योंकि आज बताना ज़रूरी था क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं। कल 9 तारीख है, परसों 10 को तो रिज़ल्ट ही आने वाला है। तो सबको एक स्टडी करके अपना अपना डिसीजन लेते आएगा कि वारी में क्या करना है, इसीलिए ये वीडियो आज बनाना ज़रूरी था। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा मेरे कैलकुलेशंस भी बताऊंगा और मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ, ना ही कोई ग्राफिक्स दिखा पाता हूँ, मुझे इतना वक्त ही नहीं होता है, टाइम ही नहीं होता है। इसीलिए अगर लगे तो आप कागज़ पेन लेकर बैठ सकते हैं अगर आपको लिखना होगा तो। मैंने कैलकुलेशन जो मेरा किया है, स्टडी किया है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा अपना अजम्पशन है। जो डेटा मैं कलेक्ट कर पाया वो हिसाब से मैंने ये प्रोजेक्शन बनाया है Q4 के रिजल्ट कैसे आएंगे। मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ क्योंकि कंपनी का जो भी जो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर है वो कितना स्पीड से होता है उस पर भी डिपेंड करता है। वो तो हम लोग जाकर देख नहीं सकते हैं कि कंपनी ने इस क्वार्टर में कितना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। मैं तो जो डेटा मेरे पास अवेलेबल हुआ है उस पर से मैंने प्रोजेक्शन बनाया है, तो आप इस प्रोजेक्शन को मान के ही डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ मैं, आप भी अपना अपना स्टडी करके डिसीजन लीजिए। यह सिर्फ मेरा एक प्रोजेक्शन है, एक मेरा स्टडी का आउटलुक है, भले ही ये गलत भी साबित हो सकता है, ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैं आपको कल के वीडियो में ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि कंपनी के पास पेंडिंग ऑर्डर बुक कितनी है और इंसोलेशन एनर्जी का भी Q4 का रिजल्ट कैसा आएगा, उसका भी मेरा स्टडी चल रहा है। जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वो भी वीडियो में बनाऊँगा कि इंसोलेशन एनर्जी का Q4 का रिजल्ट कैसे आएगा, जिसका भी मैंने स्टडी का कुछ डेटा रेडी किया है वो भी आपको मैं वीडियो बनाकर बताऊंगा। इस वीडियो में बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ के Q4 के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज क्या हुआ वो शॉर्ट में समझ लेते हैं। जिन लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि आज मार्केट में अगर प्रेशर रहा, गिरावट का माहौल रहा, तो वारी जो है 3040 रुपीज़ को क्रॉस नहीं कर पाएगा, करेक्शन भी आ सकता है, और अगर मार्केट में तेज़ी रही तो क्रॉस कर जाएगा। और आज मार्केट में प्रेशर था, खुलते बराबर ही मार्केट निगेटिव खुला, तो जब से ही थोड़ा सा डर का माहौल क्रिएट हो गया फिर से कि आज भी मार्केट क्रैश होगा या नहीं होगा, ये डर के मारे फिर से मॉर्निंग से ही वारी में सेलिंग शुरू हो गई। सेलर ज़्यादा थे, बायर्स कम थे, हालांकि काफ़ी देर तक ट्रेडिंग चली बट फाइनली लोअर सर्किट लग गया। दोपहर के आसपास फिर से मार्केट रिकवर हुआ थोड़ा बहुत, जो भी मैंने कल के वीडियो में बताया था कि दोपहर से मार्केट रिकवर हो भी सकता है, जो कि आज हुआ, बट ज़्यादा देर टिका नहीं, मार्केट की रिकवरी ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाई। मार्केट में रिकवरी आई जब भी वारी में थोड़ी सी फिर से बाइंग शुरू हो गई थी, बट मार्केट फिर से नीचे जाने लग गया तो फिर से बाइंग बंद हो गई और फिर से लोअर सर्किट में क्लोज हो गया वारी का शेयर। तो ये देखिए, एक ब्रेकआउट का जो लेवल होता है वहाँ पर काफ़ी तकलीफ होती है शेयर को क्रॉस करने की, वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है शेयर और उसके साथ में मार्केट का भी सपोर्ट लगता है। 3-4 दिन से मार्केट में डर का माहौल है, फिर से नेगेटिव बातें शुरू हो गई है, जिसके कारण कोई हिम्मत नहीं करता है कि भाई मैं इतना 52 वीक हाई पे बाय कर लूँ और मार्केट क्रैश हो गया और लोअर सर्किट अपर सर्किट का स्टॉक है, कल जाके लोअर सर्किट लगना शुरू हो गए तो बेचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भी काफ़ी लोगों ने आज बेच दिया होगा, प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, जो लोगों को नीचे लेवल से अच्छे प्रॉफिट में होंगे उन लोगों ने। बट आपको ये भी बात नोटिस करना चाहिए कि आज भी 450,000 शेयर्स का वॉल्यूम हुआ, मतलब आज भी जो लोअर सर्किट में बाइंग आ रही थी, आज भी लोग बाय कर रहे थे लोअर सर्किट में इस एंटिसिपेशन में कि रिजल्ट अच्छा आएगा तो अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा। दोनों बातें होती है, प्रॉफिट बुक करना कोई गलत बात नहीं है, मन में डर होना ये भी कोई गलत बात नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, मैं बाय करूँगा, लोअर सर्किट मिल गया, लंबे मिल रहा है शेयर तो अपॉर्चुनिटी है, ऐसे भी लोग होते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। दोनों टाइप के लोग होते हैं, हर एक का अपना अपना थिंकिंग होता है। तो आज लोअर सर्किट में था तो भी 4.5 लाख 50,000 शेयर्स का वॉल्यूम हुआ, 2840 पे शेयर ने आज क्लोजिंग दी, जो कि 52 वीक हाई से अभी थोड़ा दूर है, 3040 रुपीज़ पर अभी 52 वीक हाई है, उसको क्रॉस करना ज़रूरी है।
मार्केट जब बंद हो रहा था, मार्केट जब बंद हुआ, जब लोअर सर्किट में सिर्फ 9,500 शेयर सेलिंग के लिए लगे हुए थे, तो सेलिंग की ऐसे कोई घबराहट वाली बात नहीं थी कि भाई धड़ाधड़ लाख दो लाख शेयर का सेलिंग ऑर्डर लग गया है। सेलिंग ऑर्डर लग रही थी बट लिमिटेड लग रही थी, मतलब लोग अभी भी बहुत ज़्यादा बेचने के लिए तैयार नहीं है वारी के शेयर को, ये भी हमें दिखता है, इसलिए घबराने वाली भी बात नहीं है। अगर मार्केट बंद होते होते 1.5-2 लाख शेयर की पेंडिंग ऑर्डर रहती थी सेलिंग के लिए, तो ज़रूर पैनिक क्रिएट होता था। 9,500 शेयर्स की लोअर सर्किट के रेट में सेलिंग ऑर्डर बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल तो 80,000 शेयर्स की थी बट लोअर सर्किट के रेट में 9,500 शेयर्स थे जो कि ज़्यादा नहीं थे। तो इसीलिए इतने टेंशन लेने की बात नहीं है, मार्केट में थोड़ा सा मंदी का माहौल है और प्लस क्वार्टर फोर का रिजल्ट जो कि आने वाला है, तो उसके पहले भी काफ़ी लोग सेफ होना चाहते हैं कि रिजल्ट अच्छा आएगा तो भले ही बाद में बाय कर लेंगे, अभी रिस्क लेते नहीं है, तो ये भी बात होती है, इसके कारण भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को हमें मिला है। और आज मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी मॉर्निंग में गिरावट थी, NSE में भी गिरावट थी, उसका इफेक्ट हमें देखने को मिला और मार्केट में अभी भी। बट पॉजिटिव बात यह है कि आज निफ्टी माइनस क्लोज नहीं हुआ, फ्लैट क्लोज हुआ है, तो तेज़ी आएगी, तो वारिका शेयर हो सकता है कल से फिर से तेज़ी दिखाए। बट अब ऐसा लग रहा है कि 10 तारीख तक सर्किट मारेगा, ये थोड़ा चांसेस कम है, साइडवेज जाएगा, थोड़ा बहुत साइडवेज जाकर थोड़ी ट्रेडिंग होगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा क्वार्टर फोर का रिजल्ट का वेट सब लोग करेंगे ऐसा दिख रहा है। हाँ, मार्केट में अनाप शनाप तेज़ी आ गई तो बात अलग है, फिर अपर सर्किट भी मार सकता है, बट थोड़ा सा अभी डर का माहौल बना हुआ है जो कि बना रह सकता है। अब सवाल ये आता है कि क्वार्टर फोर का रिजल्ट वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का कैसे आएगा। फ्रेंड्स देखिए, क्वार्टर थ्री में कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था, देखिए फ्रेंड्स, पिछले तीन क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर 1, 2, 3 तीनों क्वार्टर मिला के कंपनी ने करीब करीब 600 करोड़ का जो रेवेन्यू है टर्नओवर जनरेट किया था। 600 करोड़ में कंपनी ने जो अपने प्रोजेक्शन दिए थे उसमें कंपनी ने ये कहा था कि हमने तीन क्वार्टर में 473 मेगावाट के ऑर्डर एग्जीक्यूट कर ली है। 473 मेगावाट, मतलब अगर आप 600 करोड़ डिवाइड बाय 473 मेगावाट करते हैं तो पर मेगावाट 1,27,00,000 आता है पर मेगावाट। मतलब एक मेगावाट के पीछे कंपनी 1,27,00,000 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट करती है। बट फिर भी और कंपनी ने यह भी कहा था कि हम लोग पूरे साल में, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 950 से 900 मेगावाट का ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का टारगेट कंपनी ने रखा है। 950 to 900 मेगावाट पूरे साल में कंपनी एग्जीक्यूट करने वाली है ऑर्डर, उसमें से 473 मेगावाट कंपनी एग्जीक्यूट कर चुकी थी तीन क्वार्टर में। तो कंपनी अब कितना ऑर्डर एग्जीक्यूट की होगी क्वार्टर फोर में, उसमें हम लोग प्रोजेक्शन लगाएंगे कि कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट कैसे आएगा। समझो कंपनी 375 मेगावाट का ऑर्डर एग्जीक्यूट की होगी क्वार्टर फोर में के क्वार्टर में, तो हम लोग 1,27,00,000 भी नहीं पकड़ते हैं पर मेगावाट, 1,10,00,000 ही पकड़ते हैं एवरेज प्राइस, तो रेवेन्यू बनकर आता है 412 करोड़। अगर हम लोग इसे अज्यूम करते हैं कि 400 मेगावाट कंपनी एग्जीक्यूट करती ऑर्डर इंटू 1.1, मतलब 1,10,00,000 रुपीज़ पर मेगावाट, तो 440 करोड़ का रेवेन्यू क्वार्टर फोर में आ सकता है। 425 मेगावाट कंपनी ने अगर एग्जीक्यूट की होगी ऑर्डर तो 470 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का आ सकता है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये काफ़ी वैरी होता है, मैंने चार क्वार्टर का निकाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 36% था, फिर एकदम 12% था, फिर 20% था, फिर 27% था। अलग अलग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने जनरेट किए हैं। हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चलो 15% पकड़ते हैं नेट, 15% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पकड़ते हैं, तो अगर 412 करोड़ का अगर रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है तो 62 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है। 440 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, सेल जनरेट करती है क्वार्टर फोर में, तो 15% से 66 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है। और अगर 470 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है तो 70 करोड़ का प्रॉफिट आता है। और अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% पकड़े तो वो हो जाता है 82 करोड़, 88 करोड़ एंड 94 करोड़। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का इस क्वार्टर में क्या बैठता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
बट हमने 15% से भी पकड़ा तो ये होता है 62 करोड़ से लेके 70 करोड़ के बीच में नेट प्रॉफिट। फ्रेंड्स देखिए, कंपनी ने प्रोजेक्शन दिया था बट कंपनी ने, ये कैसा होता है, ये जो ईपीसी के जो प्रोजेक्ट होते हैं काफ़ी बड़े चलते हैं और ये उसमें से कंपनी ने कितने कंप्लीट किए क्वार्टर फोर में उस पर डिपेंड करेगा। ये तो सिर्फ एक कैलकुलेशन है, अगर कंपनी ने समझो कोई कारण से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पाई तो हो सकता है रेवेन्यू घटते हुए भी दिखेगा और प्रॉफिट भी घटते हुए दिखेगा। बट अज्यूमिंग कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, कंपनी ने कोशिश ज़रूर की होगी कि क्वार्टर फोर में हम लोग जो टारगेट दिया है उसको अचीव करें, ये अज्यूम करके ये प्रोजेक्शन मैंने बनाया है कि कंपनी ने अराउंड 400 मेगावाट तो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहिए, ऐसा हम लोग अज्यूम करके चलते हैं। तो ऐसा अगर देखा जाए एक एवरेज निकाला तो प्रॉफिट मेरे हिसाब से नेट प्रॉफिट जो है 70 करोड़ से 85 करोड़ के बीच में आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। 70 करोड़ से 85 करोड़ के बीच में नेट प्रॉफिट आना चाहिए ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, और रेवेन्यू भी 400 करोड़ प्लस का रेवेन्यू आना चाहिए क्वार्टर फोर का, जो कि ईयर ऑन ईयर भी अच्छा रहेगा एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का 364 करोड़ का रेवेन्यू था, उससे रेवेन्यू बढ़कर आना चाहिए 400 करोड़ प्लस का रेवेन्यू आएगा तो मार्केट उसको पॉजिटिव ले लेगा, और प्रॉफिट भी 64 करोड़ का था लास्ट क्वार्टर थ्री का, तो 64 करोड़ से प्रॉफिट ज़्यादा आना चाहिए, फिर वो 70 आओ, 75 आओ, 80 आओ। मुझे ऐसा लगता है कि 70 करोड़ से 85 करोड़ के बीच में नेट प्रॉफिट आ सकता है, सब्जेक्ट टू कंपनी पूरे ये एग्जीक्यूशन जो कंपनी ने टारगेट लिया था 900 मेगावाट से 950 मेगावाट कंप्लीट करने का, वो कंप्लीट कर लेती है तो वो हिसाब से तो रिजल्ट शानदार आना चाहिए अगर ऐसा अज्यूम करते हैं तो अगर रिजल्ट शानदार आए तो ईपीएस जो अभी 10 का है वो ईपीएस हो जाएगा 15 से 17 का, और पीई जो अभी चल रहा है 280 के आसपास जो कि डायरेक्ट 150 के आसपास पीई आ जाएगा, तो काफ़ी बड़ा फर्क पड़ जाएगा क्वार्टर फोर का रिजल्ट अगर ऐसा आता है तो। कंपनी अगर 70 करोड़ से 85 करोड़ के बीच में नेट प्रॉफिट दर्ज करती है तो मुझे ऐसा लगता है इसके बीच में फिगर आ सकता है अगर कंपनी ने ऐसे ऑर्डर एग्जीक्यूट किए तो, जो कि कंपनी ने करना चाहिए क्योंकि कंपनी के पास पहले ही बहुत ऑर्डर पेंडिंग है, पिछले मार्च क्वार्टर में भी कंपनी को बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिले तो कंपनी ने हो सकता है स्पीड अप किया हो, और कोई भी कंपनी चाहती है कि हमारा परफॉर्मेंस हर क्वार्टर में अच्छा दिखे, जो कि कंपनी का फाइनेंशियल्स अच्छे दिखते हैं तो बैंक वाले भी तकलीफ़ देते नहीं है, प्लस कुछ फंड रेजिंग करना है, QIP वगैरह लाना है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, तो वो हिसाब से लगता तो है कि कंपनी वो हिसाब से ही जो है अपने फिगर्स मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो देखना यह है कि अभी क्या आते हैं रिजल्ट, मैंने मेरा प्रोजेक्शन दिया है, आशा करता हूँ कि प्रोजेक्शन सही बैठे और अगर ऐसा रिजल्ट आया तो शेयर फिर से रॉकेट बनकर ऊपर जाएगा, बट ये प्रोजेक्शन है, इसके ऊपर डिसीजन आपको लेना है कि नहीं लेना है, ये आपका पर्सनल डिसीजन है और आपको डिसाइड करना है कि रिजल्ट अच्छा आएगा ये सोच के आपने बाइंग करना है अभी लोअर सर्किट में मिल रहा है तो, या फिर आप वेट करोगे क्वार्टर फोर के रिजल्ट का, ये भी पॉसिबल है, दोनों बातें कर सकते हैं, क्वार्टर फोर का रिजल्ट आने के बाद भी बाय कर सकते हैं बट अपर सर्किट लगने के बाद शेयर मिलता नहीं है, एम ऑर्डर लगा कर बाय कर सकते हैं अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो, और अगर आप अजम्पशन में रिस्क लेकर बाय करना चाहते हो तो बाइंग कर सकते हो, क्योंकि अगर रिजल्ट शानदार आए तो शेयर कम से कम 5 से 6 अपर सर्किट तो मारेगा, ये हम सब लोग जानते हैं। तो अभी डिसीजन आपको लेना है, मैंने मेरा प्रोजेक्शन बता दिया है, पूरा वीडियो प्रॉपरली देखिए, समझ लीजिए मैंने क्या क्या मैंने बताने की कोशिश की है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप वो हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि रिजल्ट के हिसाब से आपको बने रहना है कि बेचकर निकल जाना है या वेट करना है, रिजल्ट आने के बाद ही एंट्री करना है, डिसीजन आपको लेना है। मैंने मेरा सिर्फ कैलकुलेशन और प्रोजेक्शन आपको बताया है, आई कैन बी रॉन्ग बिकॉज डिपेंड करता है कंपनी ने कितना एग्जीक्यूशन किया है, कुछ प्रॉब्लम कंपनी को अड़चन आई नहीं होगी तो ऐसा पॉसिबल है, अड़चन आई और रेवेन्यू प्रॉफिट कम हुआ तो उल्टा भी पड़ सकता है, और अगर कंपनी ने जो टारगेट दिए थे वो अचीव किए बराबर मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तो रिजल्ट शानदार भी आ सकता है, देखते हैं क्या होता है। आप भी अपनी स्टडी कीजिए और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप रिस्क लीजिए, क्वार्टर फोर के रिजल्ट के पहले आप बेचकर बैठ भी सकते हो, रिजल्ट आने के बाद भी बाय कर सकते हो, या फिर अगर आपको रिस्क लेना है तो रिजल्ट के पहले बाय करके आप बैठ सकते हो, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट का, वो तो परसों पता चल जाएगा हम लोगों को। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो एंड टू मी ऑल्सो, एंड कल की बात जहाँ तक है कल भी हो सकता है थोड़ा साइडवेज जाए, मार्केट स्ट्रांग रहेगा तो अपर सर्किट भी लगा सकता है,
या फिर साइडवेज भी जा सकता है, और मार्केट में फिर से गिरावट का माहौल रहा तो लोअर सर्किट भी लग सकता है, इसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।